ट्रेंडिंग एवे में आपका स्वागत है। आपका भाई अभिमन्यु आपको बताया कुछ? अरे तुम्हारा भाई करो। हेलो, क्या हाल है सबके? शोर बाजार उर्फ कवाड़ी बाजार भाई, इस बाजार की टाइमिंग भी अलग है। इस बाजार की टाइमिंग है, आप आना यहाँ पे कम से कम सुबह 8 बजे। हो भाई शूज भाई, ये शूज है ओरिजिनल है, ये नाइक ईयर पहन के देख लेना, प्राइस तो पता चले मेरे भाई। 1200 रुपये का ये भी, 1200 का। 1200 का लेना तो मैं ये लूंगा ना भाई। इसमें छोटा है क्या? नहीं यार, ये बड़ा लग रहा है मुझे। 9 नंबर है ना ये, 8 नंबर। चाइना से आया माल लेते हैं, ये चाइना की आता है। चीजी रखी हुई भाई, तुमने थोड़े पीस रखे हैं। लेकिन भाई ये कितने का है? जूम एक्स नाइकी का फर्स्ट कॉपी। अरे ये तो होंगे 1800-2000 रुपये किलो। 1, 2, 3, 5 तो मतलब कि भाई कई भी ऐसे हैं जो उतरन नहीं है। ये बार बार जाके तो महंगे महंगे ले लेते हो ना, यहाँ पे आके बाजार में ले लो तो सस्ते पड़ेंगे। इसमें कलर ये भी है जी में। हाँ प्रदीप जी, कैसा है ये? कैसा ही है, पीछे जेनुइन लगा, लाइट वेट एकदम। हाँ जेनुइन तो है भाई। एक इसमें देखो भाई, आगे से माल ही नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो? 1800 ये होते भी इतना हमें सारे। अब ये देखो ना स्टिचिंग, ये देखो, ये अल्टर पीस होते हैं, होते ओरिजिनल पर अल्टर में आ जाते हैं कई बार। फुल्का अल्टर ये है, थोड़ा सही लग रहा है। अल्बर्टो टोरेसी का अल्बर्टो, ये देख ना स्टिकर लगा हुआ है, इसको भी अल्बर्टो लिखा है, होलोग्राम स्टिकर है। यहाँ ओरिजिनल है, सही बताना, सही रेट सही बताना अंकल। फिर वही वाली बात कर रहे हैं, ये वाली वाली भाई बाजार लगा रहे हो, हटा रहे हो? लगा रहे भाई, लगा रहे भाई। भीड़ क्यों नहीं है यहाँ पे भाई? पब्लिक आती नहीं है ना, पब्लिक अभी पब्लिक को पता नहीं है। नया बाजार है ना, नया लगा है, वहाँ से शिफ्ट हो गया। प्रचार पब्लिक को आनी है यहाँ पे, भीड़ कम है भाई। लोग प्रचार करो तो हमें भी मदद मिलेगी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आपके लिए ही हम। तो गाइस बाज़ार में बहुत कुछ था, साथ साथ देखते रहिए। स्टार्टिंग में जूते थे, बीच में कपड़े थे, एंड में इलेक्ट्रॉनिक। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सब कुछ बताऊंगा उस बाज़ार के बारे में। तो अगर पसंद आ रही तो लाइक भी करना, ठीक है सर गाइस। तो गाइस इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपकी बाइक या आपका कोई भी व्हीकल हो उसके लिए कोई भी अभी पार्किंग की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो कृपया करके अपनी बाइक या अपने अदर व्हीकल से ना आए, हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। सामने मेरे जैसे कि टोइंग कर दी गई है, ये बड़ा बुरा लगा। तो डाने दो मिनट तक तो क्या है, ये क्या हो रहा है, ट्यूमा की लौटा लग रहा है सारी भाई। भाई पे ब्रांडेड माल है वैसे, जो भी है तुम्हारा साइज है ये। हाँ मुझे पता है, वाइट कलर पसंद नहीं हो गया। आंटी जी शूज कितने कितने हैं? ये नाइक का दे दो। ओरिजिनल है ये? हाँ ओरिजिनल। कितने रुपए का दे रहे हो ये? बस धुला हुआ ही है, धुला हुआ ही है, पोस्ट करते हैं बस धुला हो जाता है। असली तो है पर ये धुला हुआ है, तो थोड़ा वो होता है ना, वही थोड़ा पहना हुआ है जब भी। तो रख दे जूते तो भाई, वैसे बिल्कुल नया। हाँ हाँ वो तो है, मेरे शूज बढ़िया लग रहा है। स्केचर का है क्या ये? भाई स्केचर का शूज है ये तो भाई। साइज कौन सा है मेरा? साइज यार यहाँ बड़ा है साइज यार भाई। ये कितने रुपए का ये? 1200 का। वो तो कांटी कर लेंगे रेट थोड़े से, पर थोड़ा ओल्ड है, छोटा साइज है इसमें। 8 नंबर देख लो, ये जो है अभी वैसा माल है, मेन के देख लो रेट तो लग जाएंगे। चलो आंटी आते हुए देखते हैं। हाँ घूमने ओरिजिनल नहीं है, फर्स्ट कॉपी है ये फर्स्ट कॉपी है भाई। वो ये शू
शूज 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 चोर बाजार के शूज यहाँ मिल गए फैंसी वैरायटी सैंडल भाई एक से एक सैंडल है बस दो तीन हफ्ते वो परमिशन है अगर ये जम गया ठीक है नहीं तो फिर कहीं भी नहीं वो पुराना बाजार लगता था ना लाइन फिर उसके बस एक इतिहास में नाम हो गया अच्छा फिर बंद जाएगा पूरी तरह से एक डेढ़ महीने में अगर पब्लिक आ जाती है तो ठीक है वरना यहाँ से बाजार पूरा पूरा की तरह हट जाएगा हमेशा के लिए ना कभी था ना भैया ये देख है नहीं चीज भाई ये कितने रुपए का है भाई इसमें साइज छोटा है क्या रेट का होगा ये भाई प्राइस क्या है इसका सही बताना भाई ईमानदारी चली मैं ले लूंगा क्योंकि मैं इसको फाइनल बता दो बताने का 3500 रुपए देने का रेट एक ही होगा 2000 दो महीना तो हुआ अभी भाई पे आ जाना इन भाई पे इतनी बेंदी बढ़िया वैरायटी मिलेगी इस भाई पे जेन्युइन और एकदम साफ पीस इजी का है पीस तो देखो भाई अभी ले लूंगा शोरूम से निकला हो देखो वही है ये तो रेट उसमें नहीं है ओरिजिनल आर्टिकल में ये ओरिजिनल का दीवाना बाजार लग रहा है जो भी व्यक्ति आए यहाँ पर जोड़ी ले बहुत अच्छी अच्छी जोड़ी सस्ते से सस्ते प्राइस में मेरे ख्याल से 100 ग्राम का जूता नहीं होगा इतना लाइट वेट है इतना लाइट वेट है सिर्फ 100 ग्राम का नाइकी इसका नाम मुझे पता नहीं ये नाइकी है तो हर बार मॉडल नए आते रहते हैं भाई ये देख लो ये ना एकदम फोकस आउट हो रहा है ये देखो लेकिन इसके अंदर देखो नहीं एक बात बता रहा हूँ फ्लेक्सिबिलिटी भाई यहाँ पे ठहराने कॉपी मिलती है एस्टन मार्टिन ये हो रखा ना एस्टन अरे यार डिफॉल्टर है यार इसमें पता क्या गलती है ओरिजिनल ये सिर्फ इस पीस में गलती क्या है इस पर लिखा था साइज क्या है 4XL है ये XL इस वजह से डिफेक्ट में आ गया तय करके रख दो टॉमी हिलफिगर की ये भी जानवर पीस है क्या मिल गया तुम्हें ये भाई ये जिसको अगर बंदों को नॉलेज होगी इस ब्रांड की डैनियल की बहुत महंगी जीन्स है ये 300 रुपये की मिलती है और फ्रेश में है ये भाई ओरिजिनल मैं एक बात बताऊँ जी भाई ओरिजिनल है देखना चेन भी ओरिजिनल लग रही है भाई चेन ओरिजिनल कपड़ा वरना तू लेना चाहे तो ले ले मेरा साइज नहीं है इसमें फ्रेश है हाँ भाई ये जो आप करते हो ना आप ही दिखाओ इसमें हेलो भाई हम आप देखो क्या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन भाई बाजार आगे लगना चाहिए इसके लिए मैंने वही बताया बाजार लगना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल ये कुछ सेल्फियों के चक्कर के अंदर लोग दो लाइक के चक्कर में सिर्फ क्या करते हो अच्छे खासे काम को बोलते हो चोरी का माल है ना इसीलिए बाजार ये होता है जैसे स्टॉक में आता कोई चीज है भाई वही चीज होती है तो कभी चोरी का बाजार ना बोले इसे बोले कबाड़ी बाजार है पुराना लोगों के घर के पुराना सामान होता है वही बिकता है लोगों को नहीं पता बस वो आते हैं ओ भाई कुछ होता नहीं भाई ये सिर्फ कबाड़े बाजार है इनकी भी दुकानदारी होती है कोई चोरी लगा के नहीं बेचता जा रहा ओ भाई अमरीकी माल क्या बात है अंकल जी बहुत बढ़िया ₹150 किसका साइज है 39 साइज और ये देख रहे हो भाई ये देख रहे हो आप लोग ये देखो ये देखना बटन हाँ भाई देख रहे हैं डाल के ट्राई करके देख रहा है लड़का रैल्फ लॉरेन की असली शर्ट भाई थोड़ा बैठना मेरा उठता ना बहन जी क्या शर्ट मिल गई है यार आ जाए बस ये आएगी क्यों नहीं आएगी मैंने बोल दिया था आ जाएगी तूने बोला था ये देखना आ गई
ढंग के पहने उनके साइज पे स्टैंडर्ड होते हैं ना। पीछे से दिखा। तो गाइस शॉपिंग हो गई है, अब मैं कुछ आपकी एक चीज़ बताऊंगा आपको कि कहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको। देखो अगर आप मार्केट में आते हो, इस मार्केट में आते हो कबाड़ी बाजार की, तो आपको सबसे स्टार्टिंग में मिलेंगे सबसे पहले जूते, उसके बीच में मिलेंगे कपड़े और एंड में मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक सामान, ठीक है। तो ये मैंने पूरा रोड नाप लिया, मुझे पता है कहाँ पर क्या है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, पहले जूते, फिर कपड़े, फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान। देख लो जी चालू करके एक बार, ये भाई साहब चालू नहीं होगा, अभी चालू करना। तो ये कितने का बैटरी चालू की? ये 200 रुपए का है मात्र, 200 रुपए। आपको चाहिए ले जा, 150 दे दियो, पक्का पसंद। तो पता तो चले ना चालू है नहीं है भैया, देख के नहीं लेके आए भाई हम। अच्छा भाई ट्रेंडिंग है यूट्यूब पे, आएगी यूट्यूब पे नाम से ट्रेंडिंग है, अभी ढूंढ लो तुम ट्रेंडिंग है ए बी जूते और कपड़ों का बाजार। ए भाई ना भाई से लेके वो करवाओ, सब्सक्राइब कर देना भाई। हमने लिए यहाँ पर वीडियो बनाने की गट्स भी होने चाहिए आगे। हाँ ये नहीं कि किसी ने मना कर दिया तो चले जाओ डर के मारे, कैमरा जेब में रख के निकल पड़े। मना करने वाली होते हैं और बनाने वाली भी होते हैं, तो कहते हैं बना लो कुछ भाई, लेकिन इसको जो है चोर बाजार मत बोलो, ये है कबाड़ी बाजार, पहले कबाड़ी बाजार था लेकिन अभी इसको बोलते कबाड़ी बोलते हैं, कपड़ा बाजार बोलते हैं। गलत आपको मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पर अगर आप दूसरे यूट्यूबर से वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर आगे गलत इन्फॉर्मेशन ना दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।